तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम निकालने वाले हैं, हमारी गेम में आया है इसागी नाम से एक रिंग आया है जिसमें एक एमवी का बंडल है। तो यही आज हम निकालने वाले हैं। हमारे पास से जो टोटल डायमंड है 2000 है, मतलब 2200 के आसपास है, 2200। तो आज हम यही निकालेंगे। इसमें एक तो बंडल आ गया और दूसरा इसमें एक इमोट भी है और तीसरा ग्लू वॉल, लेकिन हमें जो खाली एक तो बंडल ही निकालना है। तो इमोट देखेंगे, डायमंड बचे तो इमोट भी निकालेंगे, नहीं तो बंडल निकालेंगे। सबसे पहले तो बंडल ही निकालेंगे। तो इसमें दो वेरिएंट है फिलहाल, दिखा तो दो वेरिएंट रहा, एक तो ब्लू वाला और एक जो है वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन। तो दोनों ही बंडल अच्छे हैं, बढ़िया है। बेसिक बंडल है जो ब्लू है और कस्टमाइज पे जो है अपना वाइट और ये ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन है। तो यही आज हम निकालेंगे। तो देखते हैं हमारे कुल कितने डायमंड लगते हैं। कम से कम डायमंड लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब ट्रिक वगैरह लगाएंगे, अगर कम से कम डायमंड में निकल जाता है तो। तो सबसे पहले जो हम इस पर 20 का स्पिन कर देते हैं, एक 20 का स्पिन करते हैं और तो उसमें देखते हैं कि शायद 20 में निकल जाए, बंडल ही निकल जाए सीधा। तो 20 के स्पिन पे हमने दो टोकन निकल, तो 20 का तो बढ़िया रहा। 10 डायमंड में एक टोकन मिला तो बढ़िया है। इसके बाद हम क्लियर कैच करते हैं और इसके बाद जाएंगे हम जो फिर लक रॉयल में और नीचे गोल्ड रॉयल में जाएंगे और 10 का स्पिन करेंगे और फिर से हम जाएंगे सेटिंग में और क्लियर कैच कर देंगे और देन हम फिर जाएंगे लक रॉयल में और इसागी रिंग में। तो यहाँ पे हम 200 का करते हैं, 200 पे दो टोकन, एक दो एक 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 भाई एक एक ही दे रहे हो, 10 एक साथ दे दो ना, एक दो दो करके दे रहे हो भाई। तो टोटल हमें जो 15 टोकन मिले हैं इसमें, 200 में 15 मिले, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, एक और करते हैं हमारा जो है, एक बार तो हम करेंगे। तो एक बार हम फिर से जाएंगे गोल्ड रॉयल में, गोल्ड रॉयल का फिर से करते हैं, तो फिर से क्लियर कैच करते हैं, देन फिर जाएंगे हम 20 का करते एक बार। तो 20 में हमें जो है 3 टोकन मिले भाई, 20 का बढ़िया रहता है नहीं, 20 का बढ़िया, 20 का करते हैं, लेकिन नहीं 20 का नहीं करेंगे, 200 का ही करेंगे। तो जल्दी हो जाएगा, 3 1 2 2 1 2 2 1 1। तो भाई ऐसे ऐसे करके हमारे जो 18 टोकन फिर से हो गए, टोटल हमारे 38 हो गए। हमें चाहिए 225, तो 38 हो गए हमारे। फिर से 20 का करते हैं और यहाँ पे एक मिला, कोई बात नहीं। तो इसके बाद हमें जो 225 चाहिए, तो भाई काफ़ी डायमंड लगने वाले हैं, 200 का करते हैं, एक दो एक दो एक दो एक दो, भाई 10 दे दो ना एक साथ, क्या ही कर रहे हो भाई साहब, एक दो दो करके दे रहे थे। इसमें हमें 17 टोकन मिले, हमारे 56 हो गए टोटल, काफ़ी डायमंड लगने वाले हैं, 200 का करते हैं, 3 दिया इस बार, तो 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 ज़्यादा देते भाई, 19 मिले लेकिन पिछले से ज़्यादा मिल गए। तो फिर से हमें जो 200 के करते हैं ना इस बार, फिर अभी तो 75 हुए हैं भाई, 125 में तो हमें ये इमोट निकलेगा। तो फिर से 200 का करते हैं, 3 1 1 2 1 3 2 2 1 2। तो इस बार फिर हमें जो 19 मिले हैं, तो लगभग हमारे 94 हो चुके हैं। तो गाइज हमारा जो ये डायमंड लग गए हैं, टोटल हमारा 1100 के आसपास डायमंड लग गए, 1500 के आस 1000 प्लस है कुछ डायमंड। तो फिर से वही ट्रिक काम करके, क्या यहाँ पे हम करते हैं फिर से एक 200 वाला, 2 2 5, इस पर 5 मिले भाई, भाई भाई ऐसे 5 10 करके देते हैं तो जल्दी निकल जाएगा भाई मेरा।
तो भाई पहले 5 देकर उसके बाद फिर एक एक करके दे रहे हो। इसमें 22 मतलब 3 टोकन हमें जो एक्स्ट्रा मिल गए, 19 19 मिलते थे पहले, तो बढ़िया है। हमारी टोटल है 116 हो गए, तो यहाँ पे हम फिर 200 का करेंगे। तो भाई इमोट तो निकाल दो, स्पिन में इमोट तो दे दो भाई, कुछ तो दे दो। पाँच पाँच दिया, 2 बार पाँच पाँच दिया क्या? हाँ लग रहा है 2 बार ही दिया था भाई। तो अभी हमारे पास 143 है, फिर से हम करेंगे यहाँ पे एक और स्पिन 200 का। और 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 करके दे रहे, पिछले में तो अच्छे खासे दे दिए थे 5 5। तो यहाँ पे भी हमारे 20 टोकन हो चुके हैं, 20 और 163 हो गए टोटल, हमारे 20 मिले इसमें। 500 डायमंड हमें बचा है अभी, तो 1700 तो लग गया हमारे। 200 का करते हैं फिर से, दो 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 एक एक एक, यही दे रहे बस भाई। ये बंडल तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत ही महंगा पड़ने वाला। 183 हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे हम फिर से करेंगे 200 का ही करेंगे। तो अभी हमारे पास 183 हो गए, 225 चाहिए, तो एक ये फिर से 200 का कर देते हैं, क्या मालूम सीधा बंडल निकल जाए। 1 2 1 3 1, बस यही दे रहे, बस एक एक दो दो दे। इमोट निकलना चाहिए था। 19 मिले, 202 हो गए हमारे, 116 हमारे पास जो है डायमंड बचे हैं। तो भाई 202 अभी हमारे पास, हमें 23 और चाहिए, 23 23, 20 20 का करके देख लेते हैं, हो सकता है 10 मिल जाए किसी में। दो कोई बात नहीं, फिर से 20 का, यहाँ पे एक 20 का करते हैं फिर से, लो दो, फिर से हम जो है यहाँ पे फिर से एक 20 का करेंगे, एक 2208 ही हुए क्या? लास्ट 20 का है, और डायमंड करने पड़ेंगे, हम पॉपअप करना पड़ेगा। एक तो गाइस हमारे 209 हो गए, अभी हमें चाहिए 16 टोकन और, 16 टोकन और चाहिए, तो हमें 200 का स्पिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा टॉपअप, तो टॉपअप करके हम जो है फिर से आते हैं। तो टॉपअप लिया कर, अब करते हैं फिर से हम 200 का स्पिन, 200 के करेंगे, क्योंकि 209 है ना हमारे पास, एक 200 का करेंगे ना, तो अपना जो टोटल हो जाएगा 225 के आसपास होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई नहीं, 200 से ऊपर है हमारे पास, 20 20 का करके कर लेंगे। तो 200 कर दो, एक 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 दो दो एक दो एक पाँच, हाँ तो बढ़िया, 5 मिल गया ना, अब लग रहा है कि भाई हो जाएगा भाई साहब। 17 भाई, ठीक है 16 चाहिए तो 17 आ गए, तो 26 हो गए हमारे पास, 226 हमें चाहिए था, 225, तो एक टोकन ज़्यादा ही, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम जो बंडल जो है एक्सचेंज करेंगे, भाई कितना मस्त लग रहा है, एक्सचेंज करेंगे, कंग्रेचुलेशंस। तो बंडल तो मस्त है भाई, अगर एक साथ मोड निकल जाता है तो बढ़िया रहता है इसका मोड भी। तो बंडल तो गया हमारा निकल, इसको करते ओपन और पहना लेते हैं, इक्विप कर लेते हैं संजू बाबा एक मित्र को, तो देख सकते हैं कि भाई कितना अच्छा बंडल लग रहा है, बहुत ही मस्त बंडल है। आपका जो है टोटल टोटल 2400 से 2400 डायमंड आपका जो खाने वाला है, ठीक है गाइस, 2400 समझ रहे हो ना, तो 2400 डायमंड आपका खाने वाला है, 24 से 25 है। इसमें एक वेरिएंट जो, अरे भाई साहब ये तो लोचा हो गया, जो ये 14 दिन के लिए 300 डायमंड में निकलेगा खाली, इसका जो कस्टमाइजेशन है वो साला परमानेंट नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मिलेगा, जिसमें हमें 300 डायमंड देने पड़ेंगे 14 दिन का। मतलब इसका इवेंट फिर से आएगा जिसमें ये बंडल देंगे वाइट वाला, ये तो स्कैम हो गया भाई, मैंने सोचा।